आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फिंगर्स। ये बहुत इजी रेसिपी है, तो आइए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोनलेस फिश ली है, ये 300 ग्राम के आसपास है। इसमें मैंने एक नींबू का रस डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और ये गार्लिक पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। तो मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 1 घंटा भी बहुत हो जाता है, लेकिन अगर आप 2 घंटे रखना चाहें तो आप इसे रख सकते हैं। बहुत अच्छे से सारे मसाले हम इस पर लगा देंगे। जब फिश मैंने बोनलेस फिश है, कोई भी फिश आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में बस हमें काट लेना है। फिश फिंगर्स के लिए लंबी लंबी स्ट्रिप्स में देखिए ऐसे इन्हें हमें कटवा लेनी है या फिर घर में काट लेनी है। तो इसे हम मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे बाद अब हम सेकेंड मैरिनेशन के लिए चीज़ें तैयार करेंगे। तो मैंने एक एग लिया है, थोड़ा सा मैदा लिया है और ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे और ब्रेड क्रम्स में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें ऐड करना है। अब हम ये फिश के पीसेस लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये मैदे को कोट कर लेंगे अच्छे से, एक्स्ट्रा हम इसे हटा देंगे और फिर ये एगी में और फिर उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स का ऊपर से एक लेयर हम इसमें लगा देंगे। इसी तरह सभी पीसेस को हम अच्छे से तीनों चीज़ों में कोट कर लेंगे। सबसे पहले मैदा, फिर अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स के लिए। इसी तरह हम सभी पीसेस में अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो हमें इसे रखने रखना है और अगर आप चाहें तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक में फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो अब मैंने एक पैन में तेल गरम किया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई का ऑप्शन यूज़ किया है, आप चाहें तो डीप फ्राई भी इसे कर सकते हैं। तो बहुत ही आराम से मैं सारे पीसेस को फ्राई कर लूँगी। फ्लेम मेरी अभी मीडियम हाई है और बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है वरना ये जल जाएंगे। और इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है क्योंकि फ़िश बहुत ही जल्दी पक जाती है, इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो बस ऊपर का क्रस्ट जो है वो हमारा अच्छा सा पक जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो हम इन्हें हटा लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हम इन्हें पकाएंगे और इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा अच्छा सा, तो हम इन्हें पलट देंगे। एक एक को अच्छे से पलट देंगे ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से पक जाए और ऊपर की क्रस्ट भी अच्छे से हो जाए। तो एक अच्छा सा गोल्डन रेड कलर हमें मिल जाएगा। हम सभी को अच्छे से पलट देंगे। और इस तरफ से भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 12 मिनट लगेंगे हमें इन्हें पकाने में। और हम इन्हें अब वापस बाहर निकाल लेंगे, एक टिश्यू पेपर में हम निकाल के जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम हटा लेंगे। सभी को हम आराम से उठाएंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, टूट भी सकते हैं, तो हम इन्हें आराम से निकाल लेंगे।
दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इजी सी रेसिपी है, फटाफट बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से बन जाएगी जल्दी से और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अपने ट्राई करें और कॉमेंट्स में मुझे बताएँ आपको ये कैसी लगी।